Hi guys, welcome back to our channel Rinky Tutorial. This is me, your Rinky, and welcome to another exciting video. Today, मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ कि how to do a base makeup. ठीक है? Base makeup में पहले क्या लगाना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे makeup products होते हैं, foundations, primer, concealer, cream. तो हमें makeup में पहले क्या लगाना चाहिए? तो आज हम इस topic के ऊपर में बात करने वाले हैं. Sometimes we get confused कि हमें क्या लगाना है. हम बहुत ही stuck पड़ जाते हैं. इसलिए अगर हम YouTube पे या फिर Instagram पे या फिर Google पे search करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमें मिल जाते हैं अलग टाइप के वो प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करना है इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि बेस मेकअप में हमें पहले क्या अप्लाई करना चाहिए तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सको ठीक है मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दिया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी तो जस्ट कमेंट डाउन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लीन कर लिया है और मैंने फेस पे अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया जस्ट मैंने अपना लिपस्टिक अप्लाई किया क्योंकि वीडियो शूट करना था ठीक है तो इसलिए मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है पहले हमें अपने स्किन को अच्छी तरीके से रेडी करना होता है तो हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइजर को चूज़ करना होता है तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में अगर हम ऑनलाइन भी देखना चाहें तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं और अगर हम ऑनलाइन वीडियोस को वॉच करें तो आप देखोगे कि उसमें वो कभी ऑयल अप्लाई करते हैं कभी सीरम्स अप्लाई करते हैं कभी थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो आपको क्या अप्लाई करना है आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करोगे ना अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप किसी भी फेशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हो हैवी बेस्ड क्रीम को यूज़ कर सकते हो कोई एक थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकता होगा तो हमारे नोज़ के अराउंड या फिर माउथ के अराउंड या जहाँ पर ड्राई पैचेस होते हैं वहाँ पर हमारा जो फाउंडेशन है वो निकलने लग जाता है उसके ऊपर ना ड्राई पैचेस आ जाते हैं और वो फाउंडेशन जो है क्या वो निकलने ये किस वजह से होता है तो ये इस वजह से होता है कि हमने अपना मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई नहीं किया है इस वजह से वो निकलने लगता है ठीक है आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप कोई फेशियल ऑयल ले लो या फिर कोई एक थिक क्रीम ले लो ठीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक थिक क्रीम को ऑयल क्रीम को यूज़ कर सकते हो ठीक है आपके फेस पे क्या होता है ना कि एक लेयर क्रिएट हो जाता है जो है वो नॉर्मल है या फिर ऑयली है तो बहुत ज़्यादा आपको थिक मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे आपको क्या करना है उस टाइम पे आपको या तो कोई वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है या फिर कोई आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है ठीक है ध्यान रहे कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं लाइट होते हैं आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है जो कि बहुत लाइट होता है बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील नहीं कराएगा आपके फेस को ना वो ऑयली नहीं करने वाला है तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है अगर आपकी स्किन ऑयली है ड्राई है नॉर्मल है तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है मैं अपने रेगुलर वीडियोस में भी आपको बोलती रहती हूँ कि आप जब भी मेकअप करो तो आपको मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करना आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप सो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद हमें अपने फेस को छोड़ देना है 5 मिनट तक के लिए ताकि हमने जो मॉइस्चराइजर को अप्लाई किया है वो हमारे फेस पर अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाए ठीक है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा प्लम्पी हो जाता है और वो मेकअप के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है कि चलो हाँ भाई अब हमें मेकअप करना है Now let's talk about primer, ठीक है तो next step जो है वो है primer का primer जो है हमारे skin पे एक अच्छा सा layer create कर देता है जिससे कि हमारा जो skin है वो अच्छी तरीके से protect हो जाता है हाइड्रेटिंग प्राइमर का क्या काम होता है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर हमारे मेकअप को लास्ट लॉन्ग करते हैं ठीक है जो कि हमारा मेकअप जो है बहुत देर तक अच्छे से स्टे करता है फेस पे अगर आप प्राइमर को स्किप कर देते हो तो आपका जो फाउंडेशंस है ना वो कहीं कहीं से ना निकलने लगेगा ठीक है ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे ये जो नोज़ के अराउंड है और ये माउथ के अराउंड है ना यहाँ से हमारा जो फाउंडेशन है वो क्रीज करने लगता है और कई बार तो क्या होता है कि वो निकल ही जाता है या इन दो साइड से ना वो बहुत जल्दी ही निकलने लगता है ठीक है तो इसलिए प्राइमर को अप्लाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे कि हमारा जो स्किन है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट होता है वो जितने भी हम मेकअप प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हैं वो एक अच्छे से लेयर क्रिएट कर देता है और वो हमारे स्किन को हार्म नहीं कर पाता है प्राइमर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके फेस पे फाउंडेशन कंसीलर पाउडर जो है वो बहुत देर तक टिका रहेगा प्राइमर हमारे
फेस पे जो टेक्सचर होता है वो उसको स्मूथ कर देता है, हमारे फेस के नोज़ के अराउंड में जो पोर्स होते हैं उसे भी फिल कर देता है। बहुत लोगों को ना बहुत बहुत लार्ज पोर्स होते हैं, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँ कि आप एक अच्छा सा प्राइमर यूज़ करें जिससे कि आपका मेकअप बहुत ही स्मूथ दिखेगा, ठीक है, अगर आप प्राइमर को यूज़ करते हो तो। बहुत लोगों को फेस पे पोर्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उससे वो सॉर्ट कर देता है। प्राइमर क्या करता है, हमारे जो फेस है वो स्मूथ नहीं होती है, तो प्राइमर क्या करता है, प्राइमर हमारे फेस को बहुत ही स्मूथ कर देता है। पोर के अंदर प्राइमर चला जाएगा तो जिससे कि हमारा स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ लगेगा। ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत ही स्मूथ लगेगा। जब भी मेकअप करो तो मेकअप में आपको प्राइमर का स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। प्राइमर के लिए क्या करना है, प्राइमर के लिए आपको बस थोड़ा सा प्राइमर लेना है, जैसे कि मैं आपको अपने वीडियोज में दिखाती हूँ, आपको जस्ट थोड़ा सा लेना है और दो साइड से नोज के अराउंड आपको अप्लाई करना है और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा प्राइमर ले लेते, जैसे कि आप इतना सारा प्राइमर ले लेते हो और अपने फेस पे अप्लाई कर लोगे कि बहुत स्मूथ हो जाएगा फाउंडेशन को अप्लाई करके, तो वो फाउंडेशन आपके फेस पे रुकेगा ही नहीं, वो स्लिप आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्राइमर लेना है और इसे हैंड पे इस तरीके से रब करना है, और जहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया, जैसे कि जो इंडियन स्किन टोन है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टी जोन एरिया में उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि टी जोन एरिया पे अच्छे से फोकस करते हुए वहाँ पे अप्लाई करना है। हमें प्राइमर को सेट होने के लिए एक मिनट तक का टाइम देना है और वो हमारे फेस पे जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, ठीक है। तो फाउंडेशन के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है लिक्विड फाउंडेशन। फाउंडेशन हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन होते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशन आप अपने टोन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जब फाउंडेशन लोगे ना तो आपको अपने हैंड पे लेना, जैसे कि आप मेरी वीडियोस में देखते हो कि मैं अपने हैंड पे लेती हूँ और कभी कभी मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो जब आप अपने फाउंडेशन को हैंड पे लोगे तो उससे आपको इस तरीके से रब करना है और हल्का सा उसे और लिक्विडी बनाना है ताकि वो थोड़ा सा थिन हो जाए, और उसके बाद आपको फिंगर की हेल्प से डैप डैप करते हुए ही अप्लाई करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि फाउंडेशन आपके फेस पे अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा और इवनली आपके फेस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे, ठीक है, तो हमारे फेस पे ना बहुत सारे छोटे छोटे फेशियल हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि फेशियल हेयर्स ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो आप जब भी फाउंडेशन को अप्लाई करो तो आपको क्या करना है कि फाउंडेशन को आपको इस सेक्शन में जब आप अप्लाई करते हो तो आपको नीचे की तरफ में इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से अप्लाई करोगे तो आपका जो यहाँ का जो फेशियल हेयर है ना वो विजिबल हो जाएगा और बहुत ही गंदा मेकअप दिखेगा। तो जिस साइड में आपका फेशियल हेयर का ग्रोथ है आप उसी डायरेक्शन में अगर अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा क्योंकि आपका जो फेशियल हेयर है वो विजिबल होने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पिंपल के मार्क्स है या फिर पिंपल है या फिर पिगमेंटेशन है, तो उससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, कंसीलर से, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है आपको कंसीलर से उससे कैंसिल आउट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर लोगे ना तो क्या लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा लेयर अप कर लिया है और बहुत ही जल्दी आपका फेस जो है वो केकी दिखने लगेगा। तो फाउंडेशन या कंसीलर सेलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप या तो वन शेड लाइट जा सकते हो या तो वन शेड डार्क जा सकते हो। थ्री शेड्स लाइट भी नहीं लेना है, टू थ्री शेड्स डार्क भी नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा टैन दिखना है तो आप वन शेड डार्क ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा फेयर दिखना है तो वन शेड लाइट ले सकते हो। शेड लाइट ले लोगे ना तो क्या होगा कि आपका स्किन टोन और अंडरटोन से वो आपका फाउंडेशन फ्लिक करने लगेगा और बहुत ही ज्यादा फेक दिखेगा। कंसीलर जब हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा वेक्ड अप लगता है, खिला हुआ फेस हमारा लगता है, जैसे कि मेकअप जो है हमारा बहुत ही अच्छा दिखता है, इसमें जान है, बेजान बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें हम अपने फेस को सेट करते हैं जिससे कि हमारा मेकअप जो है वो लॉक हो जाए, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर और दूसरा होता है लूज पाउडर। जो लूज पाउडर होता है वो हमारे फाउंडेशन और कंसीलर को क्या करता है वो सेट कर देता है। पाउडर जो होता है उसमें थोड़ी सी कवरेज होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कंसीलर और फाउंडेशन में थोड़ा सा और कवरेज चाहिए तो आप इससे सेट कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपने अंडर आई के नीचे ही जस्ट सेट करो, पूरे फेस को सेट मत करना क्योंकि अंडर आई के नीचे ही थोड़ी सी क्रीजिंग की प्रॉब्लम होती है और पूरे फेस पे सेट करोगे तो थोड़ा सा क्रैक्स आने लग जाएंगे, तो इसकी वजह से आपको अपने पूरे फेस को सेट नहीं करना है ड्राई स्किन वालों के लिए। कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप अपने टी जोन एरिया को अच्छे से सेट कर लो क्योंकि वहां
वहां पे ही ज्यादा ऑयल आता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको अपने पूरे फेस को ही सेट करना है। बता दिया कि आप अपने बेस मेकअप को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल स्टेप से मैंने आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से अपने बेस मेकअप को क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, ठीक है, और आपका जो मेकअप है वो खिला खिला लगे। मैंने आप लोग के साथ सारे स्टेप्स को शेयर किए हैं। दैट इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प्स यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी मत भूलिएगा। मैं वीडियो को देखने के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।